और जरा पढ़ाई लिखाई कितनी होती थी भाई, कितने स्कूल चलते थे जरा याद करिए, बच्चियां कितना पढ़ती थी, पांचवा क्लास तक तो पढ़ लेती थी बहुत बच्चियां, लेकिन उसके आगे नहीं पढ़ पाती थी। अब देखिए तो हाई स्कूल में नौवें क्लास के बाद कितने लोगों को मिलती है साइकिल, और किस तरह से पोशाक योजना नीचे से लेकर के ऊपर तक एक एक काम जो किया गया। अब कितने लोग पढ़ने लगे, अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी, कितनी कम लड़कियां पढ़ती थी। और आपको अब मालूम है कि अब पिछले साल मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से 300 ज्यादा लड़की थी, अब इतनी ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ती चली जा रही स्कूल में। और तभी हम लोगों ने तय कर दिया कि हम सब लड़की को कम से कम इंटर तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे, हर एक पंचायत में प्लस टू तक की पढ़ाई का इंतजाम कर देंगे। अब देखिए कितना काम हो गया। और कल भी आप जानते हैं ना, कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित कर दिया, कितना ज्यादा जो कुछ भी जहां जिन पंचायतों में हाई स्कूल नहीं अति प्लस टू तक की पढ़ाई नहीं थी, उन सब जगहों पर पहले से काम किया था, नया नया शुरू करवा दिया था। और बाद में जब पता चला कि कई पंचायतों में जगह नहीं मिल रहा था नया स्कूल खोलने के लिए, तो बाद में हम लोगों ने वहां पर शुरू करा दिया, आठवीं तक की जहां पढ़ाई होती है वहीं पर से। अब देखिए नौवां दसवां तक का हो गया, अब उसके आगे ग्यारहवां तक का, और फिर जितना बनाए हैं और जितना पहले से है, ये सब की स्थिति को प्लस टू तक की स्थिति में अच्छा बनाने के लिए भी हम लोग कितना काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि कल ही कैबिनेट से 8,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा का हम लोगों ने पास कर दिया है, बिल पास कर दिया, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब सोच लीजिए हम लोग एक एक काम करते रहते हैं।